हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है और कुछ जगहों पर भारी बारिश के भी आसार हैं। खास तौर पर जिला कांगड़ा, मंडी और चंबा के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य चल रहे हैं। आने वाले 6 से 7 दिनों तक तापमान सामान्य ही रहने की उम्मीद है। आज यानी 28 अगस्त को जिला सिरमौर में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कल यानी 29 अगस्त को जिला ऊना और बिलासपुर में भारी बारिश की संभावना है। इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन क्षेत्रों में बिजली और गर्जन का भी अनुमान जताया गया है। बता दें, हिमाचल के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि वो किसी भी आपात स्थिति से निपट सके। लोकलिटी ने मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जिलों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में हम मौसम की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ एक जिलों में जो है हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हमें अनेक स्थानों पर मिलेगी। और साथ ही अगर हम मुख्य रूप से चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले की बात करें तो वहाँ पे लगभग अगले 3 दिनों तक एक आध स्थानों पर भारी बारिश भी हमें देखने को मिलेगी। जबकि वहीं पर जो हमारा ऊना और बिलासपुर जिला है वहाँ के भी एक आध स्थानों पर भारी बारिश यानी कि 6 सेंटीमीटर के ऊपर तक की बारिश हमें 29 तारीख को देखने को मिल सकती है। और उसी के साथ जो हमारा सिरमौर जिला है वहाँ पर कल यानी 28 तारीख को हमें भारी बारिश मिल सकती है। येलो अलर्ट्स इन सभी जिलों के लिए हमने जारी किए हुए हैं। कटियार ने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में मॉनसून को रवाना होने में अभी कुछ समय बाकी है। आमतौर पर सितंबर महीने के अंत या 15 सितंबर के बाद ही हिमाचल में मॉनसून का दौर खत्म होता है। इसी को देखते हुए ये भी बताया गया है कि इस साल भी मॉनसून अगले 3 हफ्तों तक जारी रह सकता है और अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर मानसून की बात करें तो अभी भी मानसून विड्रॉल होने में काफ़ी टाइम है, क्योंकि नॉर्मली जो है हिमाचल प्रदेश से मानसून जो विड्रॉल होता है वो हमारे लगभग एंड ऑफ द सितंबर या 15 सितंबर के बाद ही होता है। तो अभी भी हमारे पास 2 से 3 हफ्ते का टाइम है, लगभग 3 हफ्ते से भी इनफैक्ट ज़्यादा का टाइम है। तो अभी भी काफ़ी अच्छा समय है जिसमें अच्छी बारिश हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। हालांकि वर्तमान समय में किसी भी तरह के फ्लैश फ्लड की चेतावनी नहीं दी गई है। यदि भारी बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बनती है तो इसके लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। इस समय प्रदेश में सामान्य बारिश के साथ साथ बिजली और गर्जन की संभावना भी है, इसीलिए लोगों को फिलहाल इससे सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बीते 24 घंटों में ऊना में सबसे ज्यादा तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा शिमला में 24.6, सुंदरनगर में 32.5, भुंतर में 33, कल्पा में 24.2, धर्मशाला में 28, मनाली में 24.8, कांगड़ा में 31.4, मंडी में 31.6, बिलासपुर में 33.8, हमीरपुर में 33.3, चंबा में 33.4 और रिकांगपियो में 29.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। बता दें, हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारी बारिश के साथ साथ बिजली और गर्जन की संभावना है, जिससे सतर्क रहना जरूरी है। हिमाचलवासी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनियों और अलर्ट्स पर नजर बनाए रखें। लोगों को सेफ रहने और किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोकलिटीन के लिए शिमला से पंकज सिंगटा की रिपोर्ट।